हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी 2023 व्रत कब खोलें, पारण कब करें, पारण विधि, बायना कब और किसे दें, और साथ ही जानेंगे इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं इस व्रत को संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। दोस्तों, इस व्रत को निर्जल रखा जाता है और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई माता का पूजन कर तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी 5 नवंबर दिन रविवार को है। दोस्तों, इस साल यह व्रत बहुत ही खास योग में आ रहा है। इस साल यह व्रत रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस योग में की गई पूजा बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी पूजा के दिन तारों को अर्घ देने का समय, व्रत कब खोलें, पारण कब और कैसे करें, बायना किसे दें, तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत तिथि होगी 5 नवंबर दिन रविवार को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर की सुबह 12:59 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर की सुबह 3:18 पर। दोस्तों, अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 नवंबर को सायंकाल 5:33 से सायंकाल 6:52 तक। तारों को देखने के लिए सांझ का समय होगा सायंकाल 5:58। दोस्तों, अहोई अष्टमी चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02। आइए जान लेते हैं व्रत कब खोलें। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत सुबह से लेकर शाम तक यानी कि गोधूली बेला तक रखा जाता है। व्रत का पारण रात्रि के समय में सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा कर तारों को देखकर उन्हें अर्घ दिया जाता है और फिर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी पारण कब करें और इसकी विधि क्या होगी। दोस्तों, जो माताएं तारों को देखने के बाद पारण करती हैं, वे सायंकाल 5:58 के बाद तारों को अर्घ देकर पारण कर सकती हैं, और वहीं जो माताएं चंद्रमा को जल अर्पण करने के बाद पारण करती हैं, वे रात 12:02 के बाद पारण कर सकती हैं। दोस्तों, पारण करते समय सबसे पहले जल और गुड़ का सेवन कर पारण करना चाहिए। इस व्रत में मीठी और लाल रंग की चीज से व्रत का पारण करना शुभ माना गया है। दोस्तों, इसके बाद आपको बनाए हुए सात्विक भोजन को ही खाना चाहिए। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी नियम के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में तारों को अर्घ तांबे के लोटे से न देकर पीतल के लोटे से देना चाहिए। यह व्रत तारों को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। अगर आप करवे से अर्घ देती हैं, तो तारों को जल चढ़ाने या अर्घ देने के लिए नए करवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि करवा चौथ के करवे का ही इस्तेमाल करना शुभ होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में भी बायना निकालने का नियम है, जिसे पूजा करने और कथा सुनने के बाद सास या घर के किसी बड़े को देना चाहिए। दोस्तों, व्रत कथा सुनने या पढ़ते समय हाथ में 7 प्रकार के अनाज जरूर रखें और व्रत कथा पूरी होने के बाद इन्हें गाय को खिला देना चाहिए। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा और व्रत का पालन करें। इसके साथ ही पूजन के बाद शिव और माता पार्वती को दूध और चावल का भोग लगाएं। दोस्तों, अहोई माता को पूजन के समय सफेद रंग का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। दोस्तों, इस उपाय से संतान सुख और संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।